इससे पहले कि अपनी बात कहूं, एक शेर से शुरुआत करना चाहती हूं, जिसके किरदार पे शर्मिंदा है शैतान, जिसके किरदार पर शर्मिंदा है शैतान, वो भी आज हमको नसीहत देने के लिए आए हैं। अध्यक्ष जी, जिनके समय में फ्रेजाइल 5 में इंडिया आ गया था, वो आज बजट पे भाषण देकर हमें समझा रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए, खास तौर पे जब भारत आज टॉप 5 इकोनॉमीज का हिस्सा है। आज सब लोग जानते हैं कि देश, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया किस परिस्थिति से गुजर रही है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और ऐसे समय पर अगर मेरे विपक्ष के मित्र थोड़ा सा समय आंकड़े पढ़ने पर और बजट की कॉपी को ढंग से देखने पर लगा देते तो शायद ये भाषण नहीं करते। और इसलिए मैं अपने देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी विपत्तियों के बावजूद, ऐसी मुश्किलात के बावजूद, जब पूरी दुनिया ने भारत को गिव अप कर दिया था और कह दिया था कि ये तो निकल ही नहीं पाएंगे, यहाँ तो 2 लाख से 5 लाख मौतें रोज होंगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, ऐसे समय पर भी उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है जो कि आने वाले भविष्य में 2 डिजिट इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ऐसे ही समय पर मैं प्रधानमंत्री जी को भी याद करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने इतने मुश्किल समय पर निर्णय लिया कि हमें लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में चिंता करनी पड़ेगी, और जब लाइफ बचेगी तो लाइवलीहुड खुद से बच जाएगी। सो ही फोकस्ड ऑन सेविंग लाइव्स, एंड व्हेन ही सेव्ड लाइव्स, लाइवलीहुड ऑटोमेटिकली सेव्ड, एज वी कैन सी द डिटेल्स ऑफ द बजट। जब डबल डिजिट ग्रोथ की बात होती है और इस डेकेड की बात होती है तो इस डेकेड का ये सबसे पहला बजट है, और आने वाले भविष्य में क्या कुछ तब्दीली होगी, भारत किस तरफ जाएगा, वो पथ ये बजट निर्धारित करता है। कई चीज़ों में ये बजट पुराने बजट के मुकाबलों में फ़र्क है, क्योंकि ये कोरोना काल का बजट है, कोरोना का 1 साल खराब होने के बाद का बजट है, जो कि 100 साल में स्पैनिश फ्लू के बाद एक ऐसा पेंडेमिक दुनिया में छाया, उस पेंडेमिक से निकालकर लाइवलीहुड्स को आगे बढ़ाने का बजट है। और इस बजट को अकेले नहीं देखते हुए, अगर हम पिछले 6 साल 7 साल का काम देखें तो हमें अंतर समझ आ जाएगा, और अंतर में ये भी समझ आएगा कि हर एक क्षेत्र के अंदर जो पैसा दिया गया है पहले के मुताबिक दुगना दिया गया है या दुगने से अधिक दिया गया है। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अध्यक्ष जी एक आकलन से, जिसमें सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में कहा गया था कि इस देश के अंदर 18 करोड़ मामले सामने आएंगे और 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु होगी। ऐसी भयानक दृष्टि पैदा की गई, ऐसी भयानक विकट स्थिति पैदा की गई, और ये भी कहा गया MIT के अध्ययन के द्वारा कि कम से कम 2 से 5 लाख लोग रोज इस देश में मरेंगे। एक अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, उनकी भविष्यवाणी थी कि 50 से 70 लाख लोग हर दिन इससे इन्फेक्ट होंगे। सो व्हाट द कंट्री वेंट थ्रू, व्हाट द वर्ल्ड वेंट थ्रू वाज अ बायो वॉरफेयर, एंड एज वी कैन सी दैट हाउ सम कंट्रीज एंड सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैव चोजन टू यूज चिल्ड्रन, वेमेन and vulnerable people and weaponize them. We can see that. And when it comes to people like me, and I have to start reading about economics, and I have to rely my data and detail, I go to people like what people like Geeta Gopinath has said, what people who with economic background say. But I think my friend from the opposition go to people like Mia Khalifa and Rihanna, who probably people my age would not even know as musician, because our age was with Boney M and ABBA and other such people. Rihanna, I probably didn't even know till the name was announced. And Mia Khalifa, I'd never heard of even. I'm sure some
some of my friends from the opposition can throw some light on. And a child of the age of 18, they are going to rely on her to discuss farm laws and weaponize a child who, by her own admission, has got issues, Asperger to OCD to a couple of other things, and that's the biggest child right abuse one can say. But I think thanks to Mrs. Nirmala Sitaraman ji, ki unhone bachchon ka, buzurgon ka, महिलाओं का सबका ख्याल रखा है और इस बजट में बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं जहां पे बुजुर्गों को टैक्स तक पेड करने की जरूरत नहीं है. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर स्टैंडिंग विद आर सीनियर सिटीजंस. यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2000 दे दिस इज द क्लास ऑफ पीपल हु do not know that there was a world before globalization because they have not seen it, they don't know it. And these are the youngsters between the age of 16 and 21. They do not know that world existed. And what Corona has done is caused disruption to that very globalization. And what disruption has happened is basically logistic chains through which man, power, data, everything moved, that got disrupted. And that very disruption is the background of this very budget. And under these circumstances, my friend from the opposition talked about cricket, and he was expecting something better in the budget. So let me remind him that India played the way India plays. When we are underdogs, typically true to our style, it was typically signature move of Indians that when we are called as underdogs, we win the match. And that is what this budget is all about. When the world was showcasing a picture that India is going to be in dire state, we've come through in flying colors. A lot of work still needs to be done, and I'm sure my government would take care of everyone and continue to work in all earnest. I was just thinking कि जब इतने सब अच्छे काम हो रहे हैं तो कुछ जयचंदों को तकलीफ क्यों हो रही है. कुछ तो दिक्कत है, मास्क पहनने से दिक्कत है, लॉकडाउन से दिक्कत है, वैक्सीन बनाने से दिक्कत है, देश की जीडीपी बढ़े उससे दिक्कत है, जीएसटी 1,01,09 करोड़ इकट्ठा हो तो दिक्कत है, महिलाओं बच्चों के कल्याण के लिए काम हो तो दिक्कत है, टेक्सटाइल पार्क्स बने तो दिक्कत है. और आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव में कहा और उसमें उन्होंने याद दिलाया एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कि किस प्रकार से गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक विजिट की थी और किसानों आदि के साथ रहे थे. तो मैं भी इस बात को याद दिलाना चाहती हूँ कि एपीजे कलाम साहब का एक विजन था देश के प्रति, एक सोच थी, एक विचार था. और उस सोच और विचार में उन्होंने कहा था पूरा PURA प्रोवाइडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग. हमारे इस देश के एक ऐसे राष्ट्रपति जिनको सब लोग हृदय से प्रणाम करते हैं, एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने देश के लिए जिए और देश के लिए जब तक रहे काम किया, और ऐसे विचारों से सबको ओतप्रोत किया, उत्साहित किया कि उनकी जो विजन थी पूरा की, आज उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है. और इसलिए मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का और निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि जो आज दुनिया में नहीं है, उनकी दूरदृष्टि और उनका सोच और विचार पर कार्य कर आप इस देश को लगातार प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं. चाहे वो जल जीवन हो, चाहे वो रूरल एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो मंडियों का बेहतरीकरण हो, चाहे वहाँ पर किसानों को पैसा मुआवजा देने की बात हो, चाहे इंश्योरेंस की बात हो, किसी भी प्रकार के काम में बिजली की बात हो, बिजली, पानी, मकान, पढ़ाई, हर चीज में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाए, उसी पर काम हमारी सरकार कर रही है. और
एपीजे कलाम साहब की पूरा विजन को पूरा करने का काम कर रही है। साथ ही मैं याद दिलाना चाहती हूँ, वॉश WASH, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर अगर काम नहीं हुआ होता तो इस देश के अंदर 10 करोड़ शौचालय बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हमने बनाए हैं क्योंकि इसकी कमी महसूस हुई, और जब तक वॉश जैसी चीज़ के ऊपर काम नहीं होगा, वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन के ऊपर, तो आप महिलाओं की बेहतरी, MMR रेट, चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट और किसी भी प्रकार से आप मदद नहीं कर सकते। जब भी आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वॉश वॉज समथिंग विच वॉज मिसिंग, एंड आई एम ग्लैड माई गवर्नमेंट हैज टेकन दिस विजन फॉरवर्ड एंड वर्कड, एंड स्पेशली आई वुड से स्वच्छ भारत 1 वॉज ऑल अबाउट वॉश, एंड नाउ इट इज टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत 2, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर वी वुड स्टिल अचीव आर टारगेट्स, एंड दिस टाइम द फोकस हैपन्स टू बी जल जीवन मिशन, एंड फोकस इज दैट एवरी हाउस होल्ड शुड गेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड टैप वाटर सप्लाई। Now, can you imagine 70 plus years of Azadi and households don't have water? These households did not have gas connection, clean fuel. These households, now if government is working on providing gas to all the women in rural infrastructure and helping them with clean energy, tab bhi dikkat hai, tab bhi pareshani hai. Having urban, better urban infrastructure and providing gas through piped gas connections, then also you have a problem. And this is what this government is all about. And some of my friends from the opposition raised the question, aam aadmi ke liye kya kiya? Ye sab to ameer aadmi ki zarurte hain shayad. Ameer aadmi ko chahiye hota hai toilet, ameer gareeb ko to toilet chahiye nahi. Peene ke paani ki zarurat sirf ameer aadmi ki ya gareeb aadmi ki to hai nahi. Yahi karan tha ki inke samay ke andar gareeb ke paas bank ka khata bhi nahi tha. 70 साल की आजादी के बाद इस देश के अंदर मात्र 12.5 करोड़ खाते थे, और उन 12.5 करोड़ खातों में कुछ हमारे जैसे लोगों के भी होंगे कि एक एक परिवार के अंदर 4-4, 5-5 खाते होंगे। और अगर आप इस कैलकुलेशन को करें तो जब 2014 में सरकार आई तो आपको 40 करोड़ खाते खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर और 40 करोड़ खाते खोलने का मतलब समझिए, to be able to connect with formal economy, to get the benefits of banking sector, and to get the benefit of banking sector, suit boot ke logo ke liye kaam kaun kar raha tha, bataiye janab, data aur detail ke saath bataiye, kyunki 12 crore khate aapke zamane mein the, to jo dhoti kurta kurta pajama pehen ke ghumte the unke liye to khate hi nahi the, aur khate chhodiye bank ke andar aana hi varjit tha unke liye, वो बैंक के अंदर घुसकर पैसा नहीं ले सकते थे। आज की सरकार वेंडर से लेकर किसान तक और महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम कर रही है, और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ देश को बढ़ा के लेके जा रही है। ये अमीरों के चोचले नहीं है, ये गरीबों के लिए काम हो रहा है। और सही मायने में ये सरकार गरीब, किसान, मजदूर और मजबूर को समर्पित है, जो कि इनके बजट ने दिखाया है। अध्यक्ष जी, अगर पूरे बजट का हम एनालिसिस भी करें, और कुछ लोग अभी भाषण में नहीं, बजट के भाषण में नहीं, लेकिन अक्सर राष्ट्रपति जी के भाषण में माइनॉरिटी माइनॉरिटी की बात करते रहते हैं, और कल ही की बात मैं सुन रही थी परसों अपने मित्र को, तो उन्होंने कहा कि जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजों की सरकार है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जुमलेबाज कौन है? वो लोग जिन्होंने माइनॉरिटी को केवल अपीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया, एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। उनके समय के अंदर चाहे तो, और एक महिला मित्र थी जिन्होंने शाहीन बाग का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी और सरकार को शाहीन बाग की महिलाओं की चिंता नहीं है। जनाब, आपको चिंता थी, आप तो वेस्ट बंगाल चलाते थे, वहाँ पर बड़ी भारी मुस्लिम मेजॉरिटी है, आपने शरिया कानून क्यों नहीं हटाया? आपको समझ नहीं आया कि ट्रिपल तलाक हटना चाहिए? और जब ट्रिपल तलाक नहीं हटाया तो आप बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की? आप बात करते हैं माइनॉरिटी के लोगों को बराबर लाने के अधिकार की? सोशल डेवलपमेंट, विकास क्या होता है? वो विकास तुष्टीकरण की राजनीति से कभी नहीं हो सकता। हाउ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री और डेवलपमेंट इन अ कंट्री नीड्स टू टेक प्लेस, इट कैनॉट टेक प्लेस
by appeasing certain sections. Decisions have to be made, and sometimes tough decisions also have to be made. And we can see that in 2014 and before, the Minority Affairs Ministry only had a budget of 3,500 crore. And today, this budget has gone up to 4,810 crore, and this is how minorities need to be taken care of. And this is what this government has shown. पूरे के पूरे कुनबे को, और मैं कुनबा मतलब एक फैमिली के अधिकार क्षेत्र की बात कर रही हूँ, देश के विकास से ही दिक्कत है. दे हैव अ प्रॉब्लम विद डेवलपमेंट. अगर ऐसा नहीं होता तो सारे के सारे किसानों की जमीन हरियाणा में ख़त्म नहीं हो गई होती. और हरियाणा में किसानों की जमीन का क्या हुआ वो हरियाणा का किसान बहुत अच्छे से समझाएगा. वहाँ पे भाई भतीजा जीजा सब जमीन हड़प कर गए, और उसका नतीजा भी हम सब ने देखा है किस तरीके से कुछ, सिर्फ कुछ कैपिटलिस्ट लोगों को फायदा होता था. क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म का जो नारा देते हैं उन्होंने ठीक यही हरकतें अपने समय में की हैं. क्रोनी कैपिटलिज्म में सिर्फ जान पहचान के जो कैपिटलिस्ट थे उनको ही फायदा पहुँचाना है. क्रोनी का अगर कैपिटलिज्म एक अच्छी चीज़ है, जब इतने सारे लोगों को नौकरी देना है तो वो आप देख चुके हैं कम्युनिस्ट सरकार, चाइना की भी कम्युनिस्ट सरकार की बात करें तो उसको भी कैपिटलिस्ट को सामने लाना पड़ा है, तब तरक्की की है. अगर आप उनकी भी अर्थव्यवस्था को समझें तो आपको पता चलेगा कि उनको भी अलीबाबा जैसे कैपिटलिस्ट को पैदा करना पड़ा अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, भले ही झूठा मगर करना पड़ा. जैक मा को गायब कर दिया वो अलग विषय है, लेकिन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनको कैपिटलिस्ट की जरूरत थी. और ऐसे में जब भारतीय कैपिटलिस्ट अपनी कैपिटल का इस्तेमाल भारत के अंदर भारत की बेहतरी के लिए खड़ा होता है तो आप किसके साथ खड़े हुए दिखते हैं? मैं यहाँ किसी कैपिटलिस्ट को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ी हूँ. कानून के अधिकार क्षेत्र से जो भारत के साथ खड़ा है वो मेरा प्रिय है, और जो भारत के खिलाफ खड़ा है उसके मैं खिलाफ हूं. आप समझिए, जब हुवावी की बात होती है, जब 5G की बात होती है, एक व्यक्ति या एक कैपिटलिस्ट खड़ा होता है चैलेंज करने के लिए इस वर्चस्व को, ये कहने के लिए कि 5G हम लेके आएंगे, हम पैसा लगाएंगे, हम इस देश के अंदर 5G लगाएंगे. नतीजा, चाइना एक टैप वाटर बॉटल जो मैन्युफैक्चरर है, 2 दिन के अंदर उसको एशिया का सबसे अमीर आदमी घोषित कर देता है. अगर कोई क्वालकॉम के साथ तय करता है कि वेफर चिप हम बनाएंगे, क्योंकि भारत को वेफर चिप माइक्रोचिप की ज़रूरत है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, किसी ने रोका है? यहाँ तो ये जो पार्लियामेंट है इसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा को गया है, यहाँ इन्फोसिस को भी फायदा हुआ है, यहाँ विप्रो को भी फायदा हुआ है, यहाँ पर हमारे जो उद्योगपति हैं वो स्मार्ट बॉम्ब भी बनाते हैं, ड्रोन्स भी बनाते हैं, जहाज भी बना रहे हैं. ये तो खुशी की बात है भारतीयों के लिए. इसमें दिक्कत किस बात की है? क्योंकि जीजा मौसी चाचा को काम नहीं मिल रहा, ये दिक्कत है क्या? आप समझिए इस बजट ने क्या किया है. इस बजट ने उन सभी लोगों को मौका दिया है जो भारत की परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं. According to UNCTAD, India was the only outlier which saw positive inflows of investment. Now, you don't believe me, you don't believe economic survey, you don't believe anyone, but how much investment India has got, that you got to believe. What kind of GDP we have managed, or what kind of inflation rate we have managed to keep under check, that you got to believe. Us pe to vishwas kijiye. आपको विदेशी आंकड़े पसंद है तो मैं आपके सामने UNCTAD का आंकड़ा रखती हूँ, देश का भी नहीं रखती. तो UNCTAD के आंकड़े के मुताबिक जो पॉजिटिव इनफ्लो हुआ है वो इस देश की बेहतरी के काम आया है. और पॉजिटिव इनफ्लो का मतलब है कि जब पैरामीटर्स अच्छे होंगे, जब लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पर फायदा मिलेगा तभी पैसा लगाएगा कोई. नोबडी इज गोइंग टू पुट देयर मनी इन प्लेसेस वेयर दे आर नॉट गोइंग टू मेक प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट. दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग राइट. That means people have faith in us. My friend
day before yesterday or yesterday asked me, what about your friends? I said, these are my friends who are investing money in my country because they have faith, they have trust in the well-being of this country. I am quoting a former finance minister, Mr. P. Chidambaram. He said, the union budget of 2021 is a cruel blow to federalism, vengeful towards protesting farmers. It is laughable, and I'll tell you why, Dada. It is laughable because when he was the finance minister, the outlay for the agriculture ministry was just 17,000 crore. And today, under the leadership of Mrs. Sitharaman, it has gone up to 1,31,000 crore. I think somewhere the truth must prevail. You can't be so blind with your hatred that you start questioning even the right things. You did nothing. And that is for everyone to see. Now, there are some major changes which have happened, and that's why I call that this is a budget of change. This is the first budget of the decade, and this lays down the foundation for this decade. So IPOs, we all know what happened to PSUs. You all keep talking about Nehru, Nehru, Nehru. Now, Nehru gave the foundation of PSUs. But what did you do after that? PSUs all became bankrupt. And PSUs, were a whole lot of them were not making profit. And they became a burden on Consolidated Fund of India. How long do you want to do that? Do you want to experiment with it in some way? Do you want to keep alive a dead matter? You've got to change. You've got to introduce more life. You've got to build some changes. And one of the changes get IPOs. Now, if IPOs are taken out by so many other private companies, and please don't disturb. Please don't disturb. When you have the opportunity, say what you have to say. Listen, I don't want to react to leftists who have no clue of how economy works. And that's why you have shrunk in your numbers. Please address the chair. So basically, to make Atmanirbhar Bharat, PSUs need to be regrafted, redone. And that change, some which are not making profit, they need to be handled in a different way. Some with public money need to be brought into life. Some need to be shut down. So there's going to be a segregated policies. It cannot be paint everything with black brush. You have to do things right. And depending on the nuance, you have to handle it in a nuanced way. And that is what this government is trying to do. And you're questioning even that, and you have a problem with that. Now, obviously, if something has become a white elephant, you got to deal with it in that manner. Now, I feel there was bad management and also aggressive trade unionism, which destroyed a whole lot of our industry. And Dada is sitting here, so I will say 5,800 factories were shut down in Bengal. Dada, 5,000, and you would agree with that, 5,800 factories have been shut down because of trade unionism. My friends from the left in Bengal, and they have been in power, God knows, 15 years. And in those 15 years, I have a direct question, how many factories have you brought to life in your time? Tell me, what have you done with MSME? See, the fact is, when it comes to MSME sector, when it comes to state PSUs, when it comes to management, there is a chronic problem. And that chronic problem needs to be resolved. One way or the other, you have to just get ahead. And that getting ahead is what this budget is providing. And I want to tell... Dada, you'll get your chance. You're the next speaker. So I would say a very simple question. You may continue. So, only a simple Google search, no Geeta Gopinath is needed. But when you do a simple Google search, you know how
how you need to revive the state PSUs, and that is my direct answer to what kind of questions Shrimati Mamata Banerjee has been making, that to revive dying PSUs and other such instruments, you need is to revive a bankrupt company. Disinvestment is one of the ways. I mean, I am suggesting that you don't need to go to Geeta Gopinath, because they've been going to Mia Khalifa. That's why this answer. And Adhiranjan Chaudhary ji has also made certain comments while speaking earlier, and that was if only railways and other PSUs were not eating from the Consolidated Fund of India, probably privatization would not have happened. So PM has also given that example. We've all seen those examples, that where milk cooperatives, fisheries, and other things were kept out of these kind of laws, they have done well. A very simple question: if somebody is making this pen, that pen can be sold wherever. Marker can be sold anywhere in the country or in the world. A farmer who is producing wheat, vegetable, fruit, grains, has to sell it to his district mandi only. When you do not give market, what benefit is accruing to the farmer? Very simple. And I can't put it in less simpler words. Main ek bahut sadharan bhasha mein ye baat kehna chahti hu ki agar ek pen, is bar pen, agar ek pen ko banane wala vyakti apni cheez desh bhar mein kisi bhi market ke andar ya videsh mein bech sakta hai, jahan usko behtar daam milega wo wahan bechega aur usse usko labh milega. दूध का प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति भी कहीं बेच सकता है, जहां उसको सबसे अधिक दाम मिलेगा उधर बेच सकता है. फिशरी में जो इन्वॉल्व हैं वो वाले हमारे किसान भाई या कैटल में जो काम करते हैं वो लोग को फायदा है, कहीं भी बेच सकते हैं. तो जो किसान टमाटर आलू प्याज गेहूं लगाता है वो केवल अपने डिस्ट्रिक्ट की मंडी में बेचेगा, किसी भी घटिया से घटिया दाम पे बेचने पे उसको मजबूर किया जाएगा, तो इसमें किसान का क्या फायदा है? और ये साधारण भाषा में ये तीन नियम जो बदले गए हैं वो किसान को केवल एक मौका दे रहे हैं कि वो देश भर में, दुनिया में, जहां उसको उसकी फसल के लिए बेहतर दाम मिले उधर जाके बेच दे. और डिस्ट्रिक्ट में बेचना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में बेचे, कोई दिक्कत नहीं है. आप मुझे बताइए कि ऐसी चीज के लिए भी लगातार दिक्कतें पैदा करना ये शोभा देता है क्या? और फिर अपने आप को देशभक्त कहना. एक 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 चीज में 2009 के जब यूपीए की सरकार थी और बजट बना था, तो तब सेंसेक्स पहली बार -5.83% पर गया था. -5.83 कभी ऐसा नहीं हुआ. और इस बार जो सेंसस है वो 581% पे गया है. ये फर्क है. और आप कहते हैं इस बजट में कुछ है ही नहीं. अगर इस बजट में स्वीकार्यता नहीं होती, इस बजट में मार्केट फोर्सेस को फायदा नहीं होता, तो ये कभी भी नहीं होता. एक छोटी सी चीज और आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ आम जन की बात होती है, तो जो बजट है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का 2013-14 की तो बात ही नहीं कर रही. 2019 में 18,000 करोड़ के आसपास पैसा था, 2020-21 में 21,000 करोड़ है, और आज 60,000 करोड़ इसमें प्रपोज किया गया है. अब ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन आम आदमी के लिए नहीं है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो साहब लोग हैं उनको तो पहले भी ये सुविधा उपलब्ध थी, तो ये तो आम जन के लिए ही हुआ ना, जिन्होंने 75 साल, 72 साल, 70 साल के अंदर वो सुविधा नहीं पहुंचाई. जल जीवन मिशन के अंदर 2019 और 20 के अंदर 10,000 करोड़ था, जो 2020-21 में बढ़ाकर 11,500 करोड़ किया गया, और अब 21-22 का जो प्रपोजल है वो 50,000 करोड़ का प्रपोजल है. धन्यवाद निर्मला जी.
कि एक आमजन गरीब व्यक्ति जिसको वो कहते हैं पीने को पानी तो सबको ही चाहिए, कई बार कुछ को चुल्लू भर पानी में डूबने को भी चाहिए होता है, मगर पानी तो सबको चाहिए ही चाहिए। ऐसी हालत में नहीं समझ आया 6.5 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स, 6.5 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड ग्रामीण क्षेत्र के जो घर हैं उनको 34% जो है देश में उनको घर में पीने का पानी मिल जाए और कुएं पे जाना और पानी के लिए रोज दौड़ना पड़े वो नौबत ना आए। तो स्पीड और स्केल से जो काम किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि जो सफाई की व्यवस्था है सैनिटेशन, दे हैव मेड ग्राम पंचायत्स एज इक्विवेलेंट टू म्युनिसिपल बॉडीज व्हिच इज अ बिग चेंज दैट यू डोंट नीड अ म्युनिसिपैलिटी, द ग्राम पंचायत इटसेल्फ इज गोइंग टू लुक आफ्टर इट। एंड फॉर दैट द 15th फाइनेंस कमीशन टोट ग्रांट्स ऑफ PRIs एंड वेयर वाटर एंड सैनिटेशन a grant of rupees 30,375 crore has been given. Water department itself has got 17,000 crore. अब आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, एनी सेक्टर, आपको दिखेगा कि बजट की जो रकम है उसको दुगना किया गया है इनके समय से अब के समय तक। The big bull, and again I'm quoting someone you like, the big bull of D Street, Rakesh Jhunjhunwala said, 10 out of 10 for the budget. He said the budget is growth oriented and it is laying the ground for India to get double digit growth. The budget has conveyed much more than what we are understanding. We have a realistic budget for a resurgent and rejuvenated India. Budget 2021 indicates that Indian government will be bold. India will overtake China in next 25 years. And coming to being bold, I would say this budget is the budget which is indicative that aspirational India is not going to be stalled no matter what the forces are. Aur pehle stambh mein jo hai baat shuru ki thi covid se, covid aur pandemic ke dauran kya kya duniya mein hua, usi baat ko aage badhate hue main phir kahungi ki hamari sarkar pratibadh hai इस देश के स्वास्थ्य के लिए, और जो कि कोविड के दौरान भी दिखाया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और सिर्फ कुछ एम्स या कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के द्वारा नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेटर हो उसके लिए भी काम किया गया। और जो मेजर डिफरेंस है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा, आयुष्मान भारत योजना द्वारा भी दिखाई देता है। और उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असम, बिहार, सिक्किम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अधिकतर जो है इसको लागू किया, आयुष्मान भारत योजना को। दिल्ली, बंगाल ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो 50 करोड़ लोगों को, गरीब से गरीब जनता को, हर घर को इंश्योरेंस मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, इसकी परियोजना की गई। तो आप देखेंगे कि 12% के आसपास कुछ लाभ वेस्ट बंगाल में है। मैं वही बताती हूँ ना आपको, आपको आंकड़ा सुनना पड़ेगा। और हेल्थ और वेलनेस सेक्टर के अंदर 137 जो है परसेंट का इंक्रीज है। वी सॉ अ फॉल ऑफ 14% इन इट्स अंडर 5 मोर्टैलिटी, जहाँ पे इसको लागू किया गया वहाँ पे 14%, जहां पे लागू नहीं किया गया वहां 14% लाभ मिला, और जहां लागू किया गया वहां पे मोर्टैलिटी रेट के अंदर 19% का फर्क आया। और इसी से साबित होता है कि कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्रों का हिस्सा बन जाते हैं कि अपने ही नागरिक को लाभ ना मिले उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसी राजनीति पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। द बजट इंक्रीज no, this is now some other conspiracy, not just New Delhi. And we can see that. I'm glad you read the book. Atmanirbhar Bharat Swasthya Yojana mein 64,000 crore rupiah jo hai, wo vital health infrastructure ko upgrade karne ke liye kiya gaya hai, jisme pneumococcal vaccine aur Poshan Mission 2 bhi lagu hai aur Swachh Bharat Mission 2 bhi hai. Aise mein ओपन डेफिकेशन
को खत्म करने की बात, ओपन डेफिकेशन को खत्म करने की बात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, और वो 1999 में किया था, और उनकी स्कीम का नाम था टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1999। एंड लेटर इन 2012 कांग्रेस स्टार्टेड निर्मल भारत अभियान, and they said they are going to eradicate open defecation by 2022, and it was not Nirmal Bharat we did, it is Nirmala who did it. Yes. And under the leadership of Prime Minister Modi, the Swachh Bharat Abhiyan in 2014, I'm glad to announce that India achieved the target to become open defecation free in 2019, 3 years before the target set by the Congress. Urban Jal Jeevan Mission, I have already discussed, and I have also said that how skeletons from the opposition are tumbling out when it comes to the details regarding APMC and the changes which this government has brought. And when you talk of courage and you talk of cowardice, I want to tell this house that courage was to pass these laws, and courage is to get out of the ring of middlemen. Courage is to break the monopolies which existed in this country, and cowardice is hiding behind the faces of 18-year-olds. The big guns who choose to hide behind such people is cowardice, because I think when you look at the global scenario, you see how people who have nothing to do with economy, people who have nothing to do with, I mean, they may be experts in their respective field, they may be good at whatever they are doing, Mia Khalifa to, I have no idea, I mean, I didn't even know that person exists till Rihanna also. Sir, Rihanna also, I didn't know. I mean, I said that. I said my time, I still listen to ABBA and Boney M. I mean, that is the music which is my favorite. Please Rihanna, I didn't know. Please conclude. I seriously didn't know. I'm sorry, Anurag ji. I'm coming back to the budget. So food merchants, so I will share one example of Maharashtra. So in Maharashtra, a farmer who sued two traders for not paying the money which was owed to him, and to whom he had sold his produce, the food merchants, under this changed law, he recovered 2,85,000 rupees. And Congress party, wahi party hai, jisne kisano ko unki zameen se alag kiya. Aur main pehle bhi udaran de chuki hoon, ki kis tarike se kisan ko apni zameen bechne ke liye majboor kiya, aur Hudda ji ki sarkar ka to kya hal hua, wo sabhi jante hain. कि हरियाणा में क्या हुआ, चाचा भतीजा जीजा सबको जमीन मिला सिवाय किसान के. जमीन पर कब्जा करना या जमीन हड़पना, यही नीति और नियति थी. और इसमें किसी भी कोई भी ऐसी, अब के कानून में जमीन हड़पने के लिए किसान की जमीन कोई हड़पेगा इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है. और वापस ये लोग किसान को उसी दलदल में झोंकना चाहते हैं. हम सब लोग याद करें कि जब 10-20 हज़ार रुपए के लिए किसान आत्महत्या कर लेता था, और उस 10-20 हज़ार रुपए के लिए आत्महत्या ना हो उसी का प्रावधान इस सरकार ने किया है किसान सम्मान निधि के द्वारा. एंड आई विल जस्ट कोट 3-4 फिगर्स. वन इज कांग्रेस विल रिपील, एंड दिस इज व्हाट आई एम कोटिंग, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free from all restrictions. This is what Congress has said in its own manifesto. Then Punjab Assembly election, again they have promised and said an updating APMC Act will be done to ensure direct access of farmers to the national and international markets through digital technology without tinkering with existing MSP system. Shri Sharad Pawar ji said, as agriculture minister, Sharad Pawar ji wanted to reform APMC. He sent letters to Chief Minister to enable private participation. Yes, yes. So the fact is, repeatedly one has to say these things to remind that this is what you are faced with. This is how much you can stoop to lie and to confuse the people.
And that is why I have to go on repeating these facts. Now, the other scheme is Swamitva scheme, under which is giving, which is providing property rights to the farmers and giving them property cards. And the moment they have these cards, they become accessible to credit systems, and because they can then declare their ownership, which has also been brought here. And to increase, I want to share one data. As per the basic infrastructure available in APMC, the cold storage facility is available only in 15% of APMCs. Grading facility is available only in 22 APMCs. Weighing facility is available only in 49% of the APMCs. So therefore, to improve the infrastructure of APMCs, the government is providing finance to Agricultural Infrastructure Fund, whereas the credit which is available, the Rural Infrastructure Development Fund, the Micro Irrigation Fund, all these will act together to benefit the farmer. अभी छोटे कारोबारी की बात करते हैं तो छोटे कारोबारी में मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जिनके समय पर होली की पिचकारी, दिवाली के दिए, ईद के चांद की तस्वीर और बड़े दिन की मोमबत्ती ये सब चीन से आती थी. एंड दे आर टीचिंग अस हाउ एमएसएमई नीड्स टू वर्क. इवन अगरबत्ती वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री. And that is the kind of policy they had made. Now, whether it's MSME, its improvement of other infrastructure, the infrastructure development, changes in LLP, decriminalizing the LLP, limited liability partnership, by decriminalizing and expanding the definition of company, to include 2 lakh more companies is what this government has done. And I remind the House that this is the kind of deep work which this country needed, and it has been done. And to protect our local manufacturing, various import duties and other kind of interventions have been made. So in the field of research and development, we are now amongst top 50 countries of the world. And Global Innovation Index in 2020, there has been a focus on R&D and transformative changes are going on. A National Research Foundation with an outlay of 50,000 crore is what has been done. A deep ocean mission with an outlay of 4,000 crore for exploration of underwater resources has also been done, and that conservation is for the biodiversity. I will not repeat all the kind of things through direct benefit transfer, Garib Kalyan Yojana, etc. has been done. But I do want to take you to the railway budget, where capital expenditure on railways has been the highest possible. And in that, the infrastructure, national infrastructure pipeline has been consisting of 7,400 infrastructure projects in December 2019, 3,21,389 crore rupees has been allocated for infrastructure, starting with highways, railways, and urban infrastructure. 10 lakh. So, when it comes to the budget has provided 1 lakh crore for capital expenditure for railways alone, and it has also announced 3 new dedicated freight corridor projects apart from the DFCs under construction. These are namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Buswal to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. For passenger convenience, also there have been several changes, including Vista Dome, which is indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision. Congress party has spoken about defense budget. Sam Prabhuta ke saath kya hua? Party hal mein satta mein thi aur kisan jaakar Chin ki sena se lad sakte hain. Thank God they are not in power. There is an 18.75% increase in the capital expenditure of defense in the current budget, and this is the highest ever outlay for capital expenditure in last 15 years, and this is excluding the pension. Thank you, Lekhiji. Please conclude. I will do that.
Thank you. Dada, I can give you a time if you want. I can give you a time to her. So Metrolight, Metro Neo and Metro Rail, everything has been provided for. Actually, the capital expenditure, which has been increased, is about 2 lakh crore, more than 2 lakh crore. 1 lakh has been budgeted, and 1 lakh is supposed to be raised by the railways through various internal resources and extra budgetary allocations and work. At the end, I would only say that from fragile 5 to top 5 economies, we have done rather well. Time to celebrate. The fact we are all alive at a time when the world is going through pandemic is we should be happy. From renewable energy to solar energy corporation, this country has done very, very well. I will end my speech that with the gusto and prayers that we will become $10 trillion economy very soon. $10 trillion economy with everyone's participation, and everyone will work together to take the country to such heights, and we will progress ahead. With the words of Shri Atal Bihari Vajpayee, I would like to end my speech, and which is, Badhaen aati hain aayen, Badhaen aati hain aayen, Gire pralay ki ghor ghatayen, Paon ke niche angare, Sar par barse yadi jwalayen, Nij haathon se haste haste, Aag laga kar chalna hoga, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर्स हु आर गोइंग टू स्पीक फर्दर जस्ट टू कीप इन माइंड द टाइम अलॉटेड फॉर योर रेस्पेक्टिव पार्टीज बिकॉज द हाउस इज रनिंग लेट टिल 12 o'clock एंड देयर वेरियस अदर स्पीकर्स. सो द नेक्स्ट स्पीकर इज दयानिधि मारन जी. सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. सो बिफोर आई स्टार्ट, I like to quote a Thirukural. Allal pattu aatrada alutha kannir endro selvathai theikkum padai. Sir, the purul is or arasan kudumai porukka mudiyamal makkal sindum kannir andha aachi alikkum padai karuviyagum. So I know you have to say it in English also. When the people suffer and cry, unable to bear the aggressive suppression by the rulers, their tears alone have the powers to turn into an army and deceit them. I think, sir, this will be very good for this time, sir. Sir, our great leader, Anigar Anna, said that tax the rich and pat the poor. But what is happening here is today is in reverse. The government is taxing the poor and patting the rich. So the FM's budget for this year was much awaited with much hope. In the wake of unprecedented global emergency, so the Indian economy, which was already heading towards a tailspin, saw an unprecedented collapse, and the nation witnessed a humanitarian crisis of unforeseen proportions. So the shutdown of economic engines sent lakhs of workers on the long walk home, and many perished. So the incomes of economic